Hey, do you wanna speak English faster? Today I will show you how to speak English faster. Okay, friends? मैं आपको आज वो तरीका बताऊंगा जिसकी माध्यम से जिसकी मदद से आप इंग्लिश को थोड़ा और फास्टर बोल सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, वो क्या तरीका है? हम सब जानते हैं कि सारे हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है. जैसे हैज नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवंट, इज नॉट का इजंट, आर नॉट का अरंट. इसका कॉन्ट्रेक्शन तो आपको पता है, सबको पता है, ज़्यादातर लोगों को पता है. बट बहुत सारे कॉन्ट्रेक्शन ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होता है और उसकी वजह से हम उतना फास्ट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. फास्ट इंग्लिश बोलने की बोलने से हमारा तात्पर्य ये है, हमारा मतलब ये है कि आप किसी भी सेंटेंस को जो लंबा होता है उसको हम थोड़ा शॉर्ट करके कैसे बोल सकते हैं. तो ज़्यादातर ब्रिटेन में या अमेरिका में जो इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, आज हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, आपने सुना होगा गोइंग टू को गोना बोलते हैं. आई एम गोइंग टू मीट हिम, आई एम गोना मीट हिम, आई वॉन्ट अ बुक, आई वॉन्ट अ बुक, इस तरीके से हम बोलते हैं. उसी तरह के सेंटेंसेज में हम किसी किसी शब्द का कॉन्ट्रेक्शन हम नहीं जानते हैं. बहुत सारे लोगों को कितने सारे शब्दों का कॉन्ट्रेक्शन नहीं पता होता है, तो उसका कॉन्ट्रेक्शन आज हम सीखेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं. अगर हम वांट टू या वांट अ का कॉन्ट्रेक्शन अगर हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म, तो उसको हम बोलते हैं वाना. गोइंग टू को गोना, काइंड ऑफ को किंड, शॉर्ट ऑफ को शॉर्ट, आउट ऑफ को आउट, कम ऑन को यानी कि कम ऑन को कम ऑन, डोंट नो, अगर हम डोंट नो बोलते हैं तो उसका कॉन्ट्रेक्शन होगा डू नो, कप ऑफ टी कपाटी, लेट मी ले मी, मच ऑफ मच, गिव मी गिमी, बिकॉज कॉज, have to, have to, is not, ain't, has not, ain't, have not, ain't, what have, watch, tell them, tell them, isn't it, in it, has to, has to, used to, used to, didn't you, didn't you. ओके फ्रेंड्स, तो देखा आपने, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा. तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं. अब हम एक एक को एक एक सेंटेंस के द्वारा हम समझेंगे. ओके फ्रेंड्स, अगर हम सेंटेंस बनाकर आपको शो करते हैं, दिखाते हैं, तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, आप अच्छी तरह से और भी समझेंगे. इन जितने भी शब्दों का आपने कॉन्ट्रेक्शन देखा, अब उन सारे शब्दों से एक एक करके हम सेंटेंस बनाते चलते हैं. ओके फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम. You are kind of cute. You are kind of cute. She's sort of tired. She's sort of tired. I am out of money. I am out of money. Come on, let's do it. Come on, let's do it. You don't know. You do know. Would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea? Let me see. Let me see. I am going to tell you the truth. I am going to tell you the truth. Give me the book. Give me the book. It is not much of a surprise, is it? It is not much a surprise, is it? I cry because I am in pain.
I cry because I am in pain. We have to go. We have to go. She is not hungry. She ain't hungry. She has not done it yet. She ain't done it yet. I want a coffee. I want a coffee. What have you got there? What you got there? We should tell them the truth. We should tell them the truth. I'm going to talk to my mother. I'm going to talk to my mother. It's blue, isn't it? It's blue, isn't it? Do you like him? Do you like him? Kajal has to work today. Kajal has to work today. She used to live in France. She used to live in France. Didn't you like this book? Didn't you like this book? She should have called yesterday. She should have called yesterday. He could have been here by 5 o'clock. He could have been here by 5 o'clock. I eat a lot of chocolate. I eat a lot of chocolate. तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ही मज़ेदार रहा और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का ये क्लास देखकर, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स लाइक किया कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और कमेंट करके हमें ये बताया कीजिए, हमें एडवाइस किया कीजिए कि और क्या आप सीखना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप सचमुच अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश आसानी से सीखते रहें। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा उस पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, सारे वीडियोज आ जाएंगे। यहाँ पर 7 वीडियो हैं, इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।